बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको क्या करने वाले हैं, देने वाले। हम नेचुरल पढ़ाएंगे, हमारा ये नहीं कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो होता है ना, रिकॉर्डिंग भी है तो पूरी तरह से जो है जितना पाप पुण्य है उसको छुपा के ईमानदारी से, है कि नहीं है? तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, पूरी तरह से नेचुरल जो है आपकी पढ़ाई होगी, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आज देने वाले हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर यानी अपरमेय संख्या से संबंधित जो भी हम क्रियाकलाप करेंगे उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से पहले समझेंगे सारे बच्चे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। रूट फाइव प्लस रूट थ्री, ये दोनों अपरमेय संख्या है, जानते हैं आप सब लोग, ठीक है। रूट फाइव प्लस रूट थ्री रूट एट नहीं होगा। बड़ी बात समझ में आ रहा है, लोग समझेंगे क्या कि फाइव और थ्री जोड़ के क्या होगा, एट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यस और नो, ठीक है। रूट सिक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू, छ में से दो गया तो रूट चार नहीं होगा। यस और नो, क्लियर है? यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ और घटाओ में ये नियम लागू नहीं होता है। यस, लेकिन ये नियम लागू होता है किसमें? गुना और भाग में, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में नियम क्या होता है, लागू होता है। जैसे आप देखिए, हाँ ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, रूट अंडर फाइव इंटू रूट अंडर थ्री, यस। तो ये रूट अंडर फाइव थ्री जा 18, पांच तिहाई के 15 होता है, समझ में आई मेरी बात? ये होता है, यस, ध्यान दीजिएगा। डिवाइड में भी ये होता है, जैसे रूट टेन है, इसको डिवाइड आप करेंगे रूट टू से, यस, तो 10 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 5, ये रूट 5 होगा। बात समझ में आया अच्छे तरीके से? यानी जोड़ और घटाव में ये नियम लागू नहीं होता है, लेकिन गुना और भाग में जैसे हम करते हैं उस तरह से काम कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है सारे बच्चों। यस, क्लियर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। जोड़ घटाव में जो नॉर्मल हम जोड़ते हैं या घटाते हैं वो नियम इसमें लागू नहीं होता है, लेकिन गुना और भाग में जो नॉर्मली करते हैं, जैसे 5 तिहाई के 15 होता है, यस, ठीक है, तो यहाँ 15 होगा, समझ में आ रहा है। डिवाइड में 10 और 2 है तो 5 होगा। अगर यहाँ 50 है और यहाँ 5 है तो क्या होगा आंसर, रूट अंडर क्या होगा, जैसे रूट 50 भागा रूट 5 तो क्या होगा, रूट 10, यस। अगर यहाँ रहेगा रूट 10 इंटू रूट 5 तो क्या होगा, रूट 50 होगा, yes, लेकिन यहाँ रूट 10 और माइनस रूट 3 तो क्या रूट 7 होगा, नहीं होगा। यहाँ रूट 8 प्लस रूट 2, यस, तो क्या रूट 10 होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत? चल, उसके बाद कुछ आइडेंटिटी है जो कि काम करेगा हमको इस चैप्टर को बनाने में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप सब जानते हैं इस चीज, yes, क्या होता है बच्चे लोग, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, इसको आप ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ये हुआ, यस, समझ में आ रही है मेरी बातें, ठीक है। यहाँ से अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही निकालना अगर होगा, यस, तो क्या होगा, इसको एक तरफ रखेंगे तो ये 2ab प्लस 2ab को इस तरफ ले आएंगे, और जब इसको इस तरफ लाएंगे तो इसके पीछे प्लस साइन है, चेंज होके क्या होगा, कोई कंफ्यूजन, तो क्या होगा, यहाँ ए
a plus b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। कोई कंफ्यूजन यहाँ? नो सर। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट से आधारित किस तरीके से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं, ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे। जैसे कहेगा मान ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें? मान ज्ञात करें। यस, मान ज्ञात करें। क्वेश्चन आपको देगा, तैयार है सब लोग? यस। रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, क्वेश्चन दे सकता है कि नहीं दे सकता? रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर। यस, तो ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन में आइए, हमारे पास क्या है? रूट थ्री प्लस रूट टू का क्या है? होल स्क्वायर। अब बताइए ए का रोल कौन किया? ए। रूट थ्री। बी का रोल कौन किया? यानी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पर काम होगा कि नहीं होगा इसका? राइट। तो बताइए हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो क्या होगा? जल्दी बोलिए। 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा? यस सर। यस सर। प्लस बी स्क्वायर? 2 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर? प्लस प्लस 2 ए बी। यस, ए के जगह क्या? कोई कंफ्यूजन? अब ये बताइए हमको रूट थ्री का होल स्क्वायर, तो रूट थ्री गुना रूट थ्री, मैंने क्या बोला था? गुना में लागू होता है ना, तो रूट थ्री गुना रूट थ्री रूट नाइन होगा, कितना बाहर हो जाएगा? इससे क्या पता चला कि अगर रूट में सेम अंक अंदर दोनों का गुना रहेगा, यस यस, तो क्या होगा? रूट से वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? जैसे रूट टू इंटू रूट टू बराबर क्या होगा? टू। रूट फाइव इंटू रूट फाइव बराबर क्या होगा? रूट सेवन इंटू रूट सेवन बराबर क्या होगा? सेवन। एनी कंफ्यूजन? नो सर। तो यहाँ पर क्या हो गया? इसके बदला क्या लिख दीजिए? थ्री। यस, तो बोलिए इसके बदला क्या होगा? पक्का? यस सर। फिर क्या होगा? प्लस टू इंटू टू टू, आई गुना होगा कि नहीं होगा? थ्री टू जा दुना के थे। तो यहाँ ये यहाँ आया, बात समझ में आया? अब कुछ बच्चे यहाँ गलती क्या करेंगे कि थ्री टू और टू तीनों को जोड़ देंगे, जबकि यहाँ पर ये दोनों सेम है, ये अलग है। यस और नो? बात समझ में आ रहा है? तो जोड़ना केवल इसको है, तो हमारा क्या होगा? बोलिए। फाइव प्लस सिक्स, यही हमारा आंसर है। कौन कौन समझे इसे? कॉन्सेप्ट आ गया 100%? हिट हो जाएगा वीडियो? हैं? ठीक है, तुरंत हो जाएगा, थोड़ा सा खाली हमको अब पहले से आते तो और कमाल हो जाता। राइट, ठीक है। एनीवेज चीजें पकड़ में आ रही है? तो ऐसा सवाल देगा तो बना सकते हैं हम लोग? कोई कंफ्यूजन? चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी पर आते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर, अब आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यस, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप सब जानते हैं क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस 2ab। एनी कंफ्यूजन? नो सर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां से अगर ये निकालना है, ये मैं इसका जरूरत आगे पड़ेगा। राइट, ठीक है, इसीलिए हम साथ साथ ये काम कर देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? बोलिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए माइनस वाला घटाएगा तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? प्लस टू ए बी। एनी कंफ्यूजन? नो सर। पक्का क्लियर हो रहा है? यस सर। चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। राइट, क्लियर है? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है बाबू? अगर कहेगा यहाँ पर, इसमें भी वही बात है, क्या कहेगा? मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? मान ज्ञात करें। यहाँ भी वैल्यू निकालना है आपको। क्वेश्चन क्या देगा यहाँ पर? फोर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर।
ऐसा दे सकता है कि नहीं दे सकता है? एक रूट के अंदर है और एक बाहर है, यानी बिना रूट वाला है। यस ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में मुझे बताइए ए का रोल कौन किया और बी का रोल कौन किया? तो फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और जहां जहां ए होगा वहां वहां फोर होगा, और जहां जहां बी होगा वहां रूट थ्री। यस तो क्या होगा जल्दी बोलिए, ए स्क्वायर चार का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू ए के जगह फोर और बी के जगह रूट थ्री। कोई कंफ्यूजन? बोलिए चार चौक क्या हो गया, सोलह, चार का स्क्वायर सोलह प्लस रूट थ्री का स्क्वायर 100% समझ में आ रहा है कि 99 में हो पक्का? यस। फिर माइनस इसको गुना करेंगे, चार गुना के आठ थ्री हुआ, इस दोनों को करेंगे क्या हुआ बोलिए, 19 16 3 19 माइनस थ्री, ये हमारा आंसर। डन? एनी कंफ्यूजन? तो इस तरह से सवाल आ सकता है कि नहीं आ सकता है? ठीक है। अब एक तीसरा आइडेंटिटी है जिसको आपको समझना है, ध्यान से समझिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यस और नो? या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस और नो? क्लियर? अब यहाँ पर क्वेश्चन देगा आपको, ध्यान दीजिएगा, मान ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। यस मान ज्ञात करना है, इसका क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, 4 प्लस रूट थ्री यस, या इसको चेंज कर दीजिए 6 प्लस रूट 5 इंटू 6 माइनस रूट 5 यस, इसका मान ज्ञात करना है। तो अब मुझे बताइए ये ए, ए के जगह 6 है, बी के जगह क्या है रूट 5, ए प्लस बी ए माइनस बी यस और नो? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है बोलिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का रोल यहाँ कौन कर रहा है, बी का रोल कौन कर रहा है पक्का? तो क्या होगा पहले ए स्क्वायर, ए के जगह किसका स्क्वायर पक्का, फिर क्या होगा माइनस, फिर क्या होगा फाइव का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर। यस तो क्या होगा बाबू बोलिए, 36 होगा माइनस फाइव, माइनस क्या होगा फाइव ना यस सर, आंसर क्या होगा 31। समझ में आया कि नहीं आया, कोई कंफ्यूजन? हाँ कोई दिक्कत? ठीक है।